नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्य चक्र में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह, जिसमें हम जानेंगे आज का पंचांग क्या है, आज की राशि क्या है और 2019 किस तरीके से आपके लिए खास रहने वाला है। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नए साल की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही साथ इस नए साल के अंदर कैसे आपका दिन, आपका पंचांग क्या आपके बारे में बताता है, आपकी राशि क्या कहती है, जरा उन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य मंजू वत्सी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले जानेंगे कि आज का पंचांग, क्योंकि 2019 यानी कि नए साल का आगाज हो चुका है और इस नए साल में कैसा रहेगा आज का पंचांग। पहले सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। आज का पंचांग तारीख 1 जनवरी 2019, विक्रम संवत 2075, महीना पौष, वार मंगलवार, ऋतु हेमंत, आयंद उत्तरायण, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र विशाखा, सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा तुला राशि में। आज का राहु काल शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक। चलिए, तो आज का पंचांग ये आपके सामने है और साथ ही साथ अब हम आपको बता दें कि आज की राशि क्या कहती है और सबसे पहले, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि नए साल में हमारी राशि क्या बताती है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं, तो चलिए जरा उसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। मंजू जी से जरा जान लेते हैं, मेष राशि मंजू जी क्या कहती है आज। जी, मेष राशि वालों के लिए 2019 कैसा रहेगा। 2019 में मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कैरियर की दृष्टि से भी यह वर्ष मिला जुला ही रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होगी। साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ जाने से आपको कुछ समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। कारोबारियों को वर्ष के मध्य में लाभ प्राप्त होगा। प्रेमी या जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे, आपको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कुल मिलाकर यह साल मिला जुला रहेगा आपके लिए। तो ये कुल मिलाकर ये जो साल है वो मिला जुला रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अब वृष राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि वृष राशि के जो जातक हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए और कैसे उनका ये नया साल और भी नए तरीके से, नई तैयारियों के साथ सामने आ सकता है। मंजू जी। जी, वृष राशि वाले 2019 में अपनी सेहत को लेकर ज्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता है। आपको अपने खान पान को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाहर का भोजन इस साल ज्यादा ना करें, विशेष सावधानी रखें। आप अपने कैरियर को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे। अगर खर्चों पर विराम ना लगाया गया तो समस्याएं आ सकती हैं। आर्थिक उन्नति के लिए आय के स्रोत प्राप्त होते रहेंगे। कैरियर के लिए यह साल आपके लिए फलदायी साबित होगा। तो यानी कि आपका करियर इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है, फलदायी होगा, यदि आप जो मंजू जी ने बताया है यदि उसी रास्तों पर चलेंगे तो ये नया साल आपके लिए और भी खास हो जाएगा। तो वृष राशि के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन जरा मिथुन राशि क्या कहती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी, मिथुन राशि वालों के लिए 2019, मिथुन राशि के जातकों के लिए 2019 स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उत्तम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी में आपको त्वचा संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इस साल कैरियर में अगर आप अपनी मेहनत पर ज्यादा जोर देंगे तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। आपको कुछ बड़े आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, उनके लिए पहले से ही योजनाएं बना के रखें। कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। व्यापारी अगर नए नए आइडिया अपनाएंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है इस वर्ष। तो व्यापारी यदि नए तरीके आजमाएंगे तो उनको फायदा मिल सकता है, ये भी जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए ये खास है। और साथ ही साथ हम आपको बताना भी चाहेंगे कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसके जरिए आप मंजू वत्स जी से इस बारे में बहुत तफ्तीश से जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपकी राशि कहती है और आप किस तरीके से इस नए साल को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि ये मिथुन राशि के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन कर्क राशि
के बारे में भी हम जान लेते हैं कि कर्क राशि आखिर क्या कहती है। जी, कर्क राशि 2019 कैसा रहेगा उनके लिए? कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शानदार रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति मिल सकती है, कारोबारियों को आर्थिक मुनाफा भी मिलेगा। फरवरी से मार्च और नवंबर से दिसंबर के बीच आपको नौकरी और व्यवसाय में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। मार्च के बाद व्यवसायी जातक किसी नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस वर्ष धन लाभ के कई योग बन रहे हैं, लेकिन अगर समझदारी से काम नहीं लिया गया तो धन लाभ के साथ साथ हानि की भी उठानी पड़ सकती है। तो बहुत संयम और बहुत ही ध्यान से आपको चलना होगा। यदि आप संयम नहीं बरतेंगे, आप ध्यान से नहीं चलेंगे, तो उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन समझदारी के साथ आपको हर कदम उठाना होगा, क्योंकि यदि आप समझदारी नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ उपाय भी हैं, उसके बारे में भी आपको बताया है अंजुवत जी ने, और साथ ही साथ इसको लेकर आप इनसे इस बारे में बहुत तफ्तीश से जानकारी ले सकते हैं। ईमेल आईडी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी आप देख रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस बारे में आप अपनी राशि के बारे में, आप नए साल के बारे में कुछ बहुत तफ्तीश से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स और ईमेल आईडी के जरिए इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए अंजुवत जी क्या आज की राशि कहती है। जी, सिंह राशि वालों के लिए 2019 कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद अच्छा रहने वाला है 2019 आपको। आपको कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको पहचान मिलेगी। अगर नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको धन हानि की संभावनाएं दिखाई देती हैं, सावधान रहें। प्रेम में से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पार्टनर के साथ किसी बात से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, और यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये नया साल आपके लिए और भी मंगलकारी हो सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य से जुड़ी जो कुछ खास चीज़ें आपको अंजू जी ने बताई हैं, तो वो उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान देते हैं तो ये नया साल और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये कुछ खास चीज़ें थी। लेकिन ज़रा कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं। अंजू जी, कन्या राशि के लिए क्या कहता है 2019? कन्या राशि साल 2019 कैसा रहेगा? मिले जुले परिणाम वाला साबित हो सकता है आपके लिए। आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। आपका आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपको इसका आभास हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको विभिन्न स्रोतों से आमदनी प्राप्त होगी, साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर विवाह करने जा रहे हैं तो यह साल उत्तम है, आपका विवाह हो सकता है। तो यदि आप खर्चों में वृद्धि यदि आप करते हैं तो इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सुझाव भी हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी हैं, कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनके जरिए आप अपने जो बाधाएं आ रही हैं आपके करियर के अंदर, जो चीजें अवरुद्ध हो रही हैं, उसको बाधा को आप दूर कर सकते हैं। तो कन्या राशि की यहां पर बात की गई थी, लेकिन जरा तुला राशि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तुला राशि क्या कहती है 2019, तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अंजू जी, जी, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के लिए लोग जो हैं 2019 में अपने जीवन को लेकर काफी संतुष्ट नजर आएंगे। आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आपको सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन उनके भरोसे अपना काम ना छोड़ें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा इस वर्ष। आप किसी ट्रिप या घूमने भी बाहर भी जा सकते हैं। घर की खुशियों से आप आनंदित रहेंगे। साल के मध्य में घर में कोई बड़ी खुशियों की होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। चलिए, तो तुला राशि के लोग 2019 में अपने जीवन को लेकर बेहद संतुष्ट रहेंगे, ये फिलहाल आज की राशि कहती है। और साथ ही साथ आपको बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, बाहर जाने का एक मौका आपको मिलेगा। और यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी कि आप जो चीज़ें बताई गई हैं यदि आप उसी अनुरूप चलते हैं,
तो इसका फायदा आपको 100% मिलने जा रहा है। तो तुला राशि के लोगों के लिए कुछ खास चीजें थी, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए अंजू जी क्या 2019 किस तरीके से खास रहने वाला है? जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2019 में आपको सेहत के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर सेहत में गिरावट आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। फरवरी मार्च का महीना आपकी सेहत के लिए थोड़ा नाजुक रह सकता है। कैरियर के हिसाब से फरवरी मार्च का महीना काफी अच्छा है। प्रयास करते रहें, किसी अच्छी कंपनी से आपको नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपके खर्चे और आमदनी में अंतर देखने को मिलेगा। आर्थिक जीवन में खर्च और आमदनी के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा। तो ये वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कुछ खास चीजें थी, यानी कि करियर यदि आपको बनाना है, करियर के हिसाब से जो फरवरी और मार्च का महीना है वो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, यानी कि उस महीने का आप खास तौर पर ध्यान रखें। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर आपको कोई ऐसी कॉल आती है, तो आप उस महीने को बहुत ज्यादा ध्यान से रखें, और किसी कंपनी से आपको नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है आपको, और आपके खर्चे और आमदनी में अंतर देखने को भी मिलेगा। आर्थिक जीवन में खर्च और आमदनी के बीच तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। यदि आप इन चीजों को सही तरीके से सुचारू रूप से करते हैं, तो जाहिर तौर पर 2019 नए साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। धनु राशि की भी बात कर लेते हैं जी, अंजू जी, धनु राशि क्या कहती है? धनु राशि वालों के लिए यह साल आपकी सैलरी में वृद्धिदायक साबित होगा। आपको कुछ लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो मानसिक रूप से आपको काफी थकान देंगी। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अपने प्रेम जीवन को लेकर अगर आप इस वर्ष कुछ ज्यादा ही गंभीर रहेंगे, यदि साथी से किसी तरह का विवाद हो जाता है तो विवाद को आगे ना बढ़ाएं, उसे बातचीत से ही निपटाएं। घर में, परिवार में सभी का स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। तो घर में स्वास्थ्य सभी का सही रहेगा, और कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपके घर में कुछ आपसी मतभेद हैं अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ या परिवार के लोगों के साथ, तो आपको उसको बहुत बहुत आराम से उसको सुलझाना होगा, तभी इस परेशानी से आप निकल पाएंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि यदि आप नौकरी पेशा लोग हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, उसमें वृद्धि होने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। चलिए मकर राशि की तरफ जरा रुख कर लेते हैं। मकर राशि 2019 में क्या कहती है? मकर राशि के लोगों के लिए 2019 कैसा रहने वाला है? अंजू जी क्या कहती है? जी, मकर राशि वालों के जातकों को के लिए 2019 का अच्छा रहने वाला है। कुछ कारणों से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। आप अपनी लाइफ को काफी इंजॉय करेंगे। आपका विवाहित जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। अगर आप अपने प्रेमिया से विवाह करना चाहते हैं तो इस साल हो जाएगा। इच्छा पूर्ण हो जाएगी आपकी। व्यवसाय के लेकर सब ठीक है। चलिए, तो ये जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, और साथ ही साथ आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, और ये साल आपकी जो इच्छाएं हैं जो पिछले साल रह गई थी 2018 में, वो सभी इच्छाएं आपकी 2019 में पूरी हो जाएंगी। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा कुंभ राशि के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 2019 उनके लिए कैसा होने वाला है। अंजू जी से जरा जान लेते हैं, अंजू जी कुंभ राशि के लोगों के लिए 2019 कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वालों के लिए 2019, कुंभ राशि के जातकों को का इस साल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। आपका आर्थिक जीवन भी शानदार रहेगा। आमदनी के कई नए रास्ते आपको नजर आएंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी सामान्य से ज्यादा बेहतर रहने की उम्मीद है। आपको अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा रखना होगा। जीवन साथी के विश्वास को भी बरकरार बनाए रखें। बिल्कुल, आपको अपने जीवन साथी के विश्वास को भी बरकरार बनाने की कोशिश करनी होगी, तभी आपका जो आपसी तालमेल है वो और भी ज्यादा बेहतर होगा, और साथ ही साथ यही एक बड़ा एक कारण होगा जिसकी वजह से आपका 2019 यानी कि नया साल और भी ज्यादा सुखमय हो सकता है। तो कुंभ राशि की हमने बात की है, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, मीन राशि की भी जरा बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए 2019 कैसा रहेगा, जरा वो भी जान लेते हैं। अंजू जी 2019 मीन राशि के लोगों के लिए जी, कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए 2019 में मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के लिए गंभीर रहना होगा।
आपको अपनी दिनचर्या पर भी विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी। आपकी छवि एक परिश्रमी, मेहनती और ईमानदार कर्मी की बनने जा रही है। आपको आर्थिक मामलों में कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन यह समय भी कट जाएगा। चिंता ना करें, जोखिम भरे कदम उठाने से पहले उस पर विचार करें। इस वर्ष प्रेम को लेकर थोड़े भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम रह सकता है। साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति से नया कुछ करने के लिए आपको इस साल मिलेगा। चलिए, तो बहुत कुछ है इस नए साल के अंदर, और यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं जो रास्ते अंजू वत्स जी ने आपको बताए हैं, यदि आप उन चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं अक्षरशः, तो आपका नया साल और भी ज़्यादा मंगलमय हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका कार्यक्रम में जुड़कर अब जितने नमस्कार। सभी दर्शक हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ क्योंकि बहुत खास रहने वाला है नया साल, और इस नए साल को और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी बताई है। यदि आपको और भी ज़्यादा तफ्तीश से जानकारी लेनी है कि आपकी राशि आपके लिए किस तरीके से और भी ज़्यादा बेहतर कर सकती है, क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे आपका नया साल और भी ज़्यादा मंगलमय हो सकता है, बेहतर हो सकता है, आपके करियर के अंदर उपलब्धि आ सकती है, तो तमाम चीज़ों को लेकर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए भी जानकारी ले सकते हैं अंजू वत्स जी से। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।